तानाशाही क्या है, बढ़िया चल रहा है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए। अच्छा जी, और आपका बैंक प्राइवेट कर दी, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टियां थी सब नीलाम हो गई। उन्होंने कुछ चीजें खरीदी भी है मोदी जी ने यार। क्या खरीदी? देखो CBI खरीदी, ITI खरीदी, और जितना पुलिस डिपार्टमेंट है, महकमा है, सारा खरीदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन TV और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। साल 2024 के चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है, लगातार विपक्षी पार्टियां एकजुटता दिखा रही हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार हैट्रिक मारने की तैयारी में है। इस वक्त हम आनंद विहार में मौजूद हैं और यहां पर लोगों की राय जानेंगे कि वो आने वाले चुनावों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे। एक साल से भी कम वक्त बचा है चुनावों को लेकर, क्या कहेंगे, सरकार कैसी चल रही है? सरकार बढ़िया चल रही है यार, फर्स्ट क्लास। राहुल गांधी विदेशों में जाकर कहते हैं कि यहाँ पर तो तानाशाही चल रही है, किसी की सुनी नहीं जा रही। भाई तानाशाही क्या है, बढ़िया चल रहा है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए। अच्छा जी, और आपका बैंक प्राइवेट कर दी, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टियां थी सब नीलाम हो गई। लेकिन वो कह रहे हैं प्राइवेट, कह रहे हैं कि प्राइवेट कर रहे हैं ताकि सुविधाएं बढ़ सके। नहीं, उन्हें पता नहीं है ना, उनको नहीं पता। उन्होंने कुछ चीजें खरीदी भी है मोदी जी ने यार। क्या खरीदी? देखो CBI खरीदी, ITI खरीदी, और जितना पुलिस डिपार्टमेंट है, महकमा है, सारा खरीदा। मजिस्ट्रेट खरीदे, हाई कोर्ट खरीदा, सुप्रीम कोर्ट खरीदा। आप मानते हैं कि देश में कोर्ट भी खरीदा यार? हैं? देश में कोर्ट भी बिका हुआ? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिका हुआ है। अभी देखिए, 8 साल केस लड़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली सरकार के कानून दिल्ली सरकार को दिए थे। मोदी जी एक अध्यादेश लाए, सब चौपट पल। कह रहे हैं दिल्ली सरकार मनमानी करने लगेगी, बदला लेने लगेगी अब। मोदी जी मनमानी नहीं करते हैं, मोदी जी मनमानी नहीं करते, कहते हैं हम तो लोकतंत्र को बढ़ावा। कौन लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है? नरेंद्र मोदी नहीं, हिटलर शाही को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे हिटलर शाही को बढ़ावा दे रहे हैं? कह रहे हैं हम सबका साथ लेके। कुछ आप मोदी जी के सामने कुछ बोल सकते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है वो CBI करती है, वो तो हमेशा से फिर वही करे, क्योंकि उनका काम ही। मजिस्ट्रेट नहीं खरीदे? खरीदे नहीं मजिस्ट्रेट मोदी जी ने? कैसे खरीदे हैं? कैसे कह सकते हैं आप? उनके खिलाफ भी फैसले आते, अगर नहीं हो सकते थे मोदी जी के खिलाफ कौन सा फैसला? अगर नहीं होता तो आप जिस अध्यादेश के बारे में बात करें, उस अध्यादेश पर दिल्ली सरकार चुनाव नहीं जीती, केस नहीं जीती। क्यों? दिल्ली लोकतंत्र, दिल्ली में मतलब मुख्यमंत्री की जरूरत क्या रही फिर? जब आप उसके अंदर जो है एक अध्यादेश लाओगे विधान, उसमें सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पारित करके आप एक चुनी हुई सरकार दोगे तो क्या जरूरत है फिर? वो कह रहे शुरुआत से तो यही सिस्टम था, केजरीवाल आने के बाद। कौन कह रहा शुरुआत से सिस्टम था? शुरुआत से, जब से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बनी है तब से यही सिस्टम था भाई। केंद्र के अंदर कई चीजें आती थी, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्वतंत्र राज्य तो नहीं है ना, राज्य नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए शीला दीक्षित के हाथ में कौन कौन से कानून थे। जो कानून शीला दीक्षित के हाथ में थे, आज क्या वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में है? अफसरों की तबादले के लिए वो बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं अरविंद केजरीवाल पर, LG बात नहीं। यार जब अफसर काम करेगा तो उसे रखेंगे, नहीं तो लात मारो कहीं और भेजो उसको। आपके घर आपको, अगर आप कोई काम करा रहे हैं, आपका कोई अफसर काम करेगा, कहीं के लिए बैठा हो? काम करने के लिए बैठा है ना, काम नहीं करेगा तो क्या करोगे ऐसे अफसर का आप? कहीं और भेजो उसको। लेकिन मोदी सरकार और भी उपलब्धियां गिनवाते हैं कि हम 6-6 किलो अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, शौचालय। जो भूखा मर रहा उसको दो। देश के अंदर आज भी हिंदुस्तान के अंदर 25% आदमी भूखा मर रहा है। देखिए आप देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, 30% आदमी के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। जाके देखिए ना आदिवासी क्षेत्रों के अंदर। आप ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों के अंदर तो कांग्रेस का ही राज है, चाहे आप छत्तीसगढ़ देखिए, झारखंड देखिए। स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस का राज है, सेंट्रल में किसका राज है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन? जवाबदेही तो स्टेट की भी बन, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन जवाबदेही स्टेट की ज्यादा बन देगा किसी भी चीज का। क्या कहेंगे आप महंगाई और बेरोजगारी पर? या अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि सरकार तानाशाही कर रही है। देखो मेरी बात सुनिए, पहली बात तो आप मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, मोदी जी ने 1100-1200 का सिलेंडर कर दिया। पहले कांग्रेस के राज में जो सिलेंडर था वो सस्ता था, ठीक, पहले सुनिए। उसके बाद स्मृति ईरानी ने, कांग्रेस ने थोड़ा सा महंगा करा तो स्मृति ईरानी ने हल्ला मचा दिया, सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा होगा। अब क्या हुआ? नहीं अब कहाँ गया? वो 11 कह रहे हैं कि कमाई बढ़ रही है तो फिर महंगाई भी बढ़ रही है। ये अब मेरी बात सुनिए, गरीब आदमी वैसे ही मर रहा है, बताइए ना मुझे। नहीं बताइए आप मुझे, मोदी जी ने क्या कर दिया, क्या करा है मोदी जी ने? उपलब्धियां गिनवाते हैं अपने कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दी। आप अभी जाइए पानी पी लीजिए, पहले 25 पैसे का पानी था, अभी 1 रुपए का, 2 रुपए का पानी कर दिया। पानी तो फ्री होना चाहिए ना,
ठीक, सिलेंडर महंगा कर दिया है, सब कुछ महंगा कर दिया, दूध लेने चले जाए वो महंगा कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, आप मोदी जी से कहिए हाथ जोड़ के सरकारी नौकरी खोले, जो ग्रेजुएशन जिन बच्चों ने पढ़े लिखे कर रखी है, 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, उनको सरकारी नौकरी दे। और नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी 70,000 नियुक्ति पत्र उन्होंने कल भी बांटे। भाई साहब किसको बांट दिए, मुझे तो नहीं बांटे, आपको बांटे। कह रहे जिनको जिनको सरकारी नौकरी जिन्होंने निकाली उनको मिल रहे नियुक्ति पत्र। मेरी बात सुनिए, जो सरकारी नौकरी जिनको मिली है और जो रिटायर हो गए, सुनिए मेरी बात, जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन तो मिल नहीं रही, 2 साल बाद पेंशन मिलती है, क्या फायदा है सरकारी नौकरी का यार, मेरे को बताइए आप। भूखा मरता है सरकारी नौकरी वाला, भी भूखा मर रहा है, रिटायरमेंट के बाद बच्चे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब पेंशन खत्म हुई, पेंशन खत्म होने के 10 साल तक तो कांग्रेस की सरकार थी, 2004 से 14 के बीच में, अगर कांग्रेस क्यों नहीं, सुनिए मेरी बात, पहले कांग्रेस थी, 15 साल राज करा चाहे 20 साल राज करा, उसके टाइम पे किसी को भूखमरी की पड़ी नहीं है। ठीक, फ्लाई ओवर शीला दीक्षित ने बना दिया तो उस पर राज बीजेपी का गया, बीजेपी कहती है मैंने बना दिया, अरे जिसने बनाया उसको तो गिनो ना, समझ लो, जब बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बाप ने तो करा है, चाचा का तो नाम आएगा नहीं, क्या चाचा ने करा है, शीला दीक्षित कर गई, उसमें पहले कौन था एलजी, कांग्रेस का था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन था, शीला दीक्षित, प्रधानमंत्री कौन था, मनमोहन सिंह, कहीं काम नहीं रुकता था मेरे भाई। अब एलजी कौन है, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी केजरीवाल कुछ बजट पास करता है, एलजी डंडा गड़ा देता है, तो भ्रष्टाचार करती है दिल्ली की सरकार के अंदर, इनके अंदर हम तुम मर रहे हैं, जनता मर रही है, ये लोग महलों में रह रहे हैं इतने इतने, अभी आपने देखा केजरीवाल जी का भी देख लिया शीज महल, ठीक देखा ना, तो आप बताइए मेरे को, मेरे भाई गरीब आदमी का, गरीब आदमी तो पेड़ के नीचे देखो कैसे मफलर, देखो कैसे पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, 2024 में आप किसे देखना, आप क्या, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मेरी बात सुनिए, 12-24 का तो छोड़िए भाई साहब, जनता का ब्याल देखिए, जनता का क्या हाल है, मैं तो अपने कदम पर चल रहा हूँ, मैं अपना देखूँ 24 में कल चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन देश तो प्रधानमंत्री से ही बदलेगा, कोई नया चेहरा आएगा या यही चेहरा रहेगा तभी तो नया चेहरा आ जाए, सब अपनी जेब भरेंगे चलते रहेंगे, सारी पार्टी आएगी, जौन सी भी मेरे को बताइए, पहले पार्टी कहती है मैं फलाना कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिंगाना कर दूंगा, अरे सबको क्या कर दिया, बेड़ देश का बेड़ा करके कर दिया मेरे भाई, सारी पार्टी आएगी, सारी पार्टी एक जैसी होती है, हिंदू मुसलमान को लड़ा देता, लड़ा था कौन है, नेता ही लड़ाते, चार गुंडे अपने छोड़ दिया, धमाधम धमाधम, वो उनने मारा मुसलमान के ने मारा, इधर देखो हिंदू के ने मारा, कौन भाई, भाई ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी खोलनी है, गरीब आदमी वैसे ही मर रहा है, अनपढ़ आदमी तो बिल्कुल चलो उसकी तो जीरो है, मेरी नॉलेज में जो ग्रेजुएशन जिन बच्चों ने कर रखी है उनको नौकरी दी जाए, सबसे बड़ी बात। चलिए बहुत धन्यवाद, तो यहाँ पर आपने 2024 को लेकर जनता की राय सुनी, देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।